नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आपको याद होंगी प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह की वो तस्वीरें जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी आए थे। मोदी की विदेश नीति और कूटनीतिक कोशिशों की काफी तारीफें हुई थी, लेकिन यहां शरीफ पाकिस्तान लौटे, उधर पाकिस्तान की सेना फिर अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई। सोमवार को पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन हुआ और निशाना बने हमारे देश के निर्दोष नागरिक। इस हमले की गंभीरता का पता इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 15 सालों में पहली बार इतनी ज्यादा कैजुअल्टी सामने आई है। वहीं जो लोग इस घटना से प्रभावित हुए हैं उनका कहना है कि आखिर उन्हें कब तक सीमा पर इस तरह डर के साए में जिंदगी बितानी पड़ेगी। साथ ही सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कब दिया जाएगा, वो कौन सी भाषा है जिससे पाकिस्तान को समझाया जाए, और सबसे बड़ा सवाल आखिर इन निर्दोष लोगों की जान का जवाब क्या है पाकिस्तान के पास। एक रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर सीमा पर लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन जारी है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने इस महीने 17 बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी 40 भारतीय चौकियों पर भारी गोलाबारी की। इस दौरान नियंत्रण रेखा से सटे गांवों को भी निशाना बनाया गया। मोर्टार बम और ऑटोमेटिक हथियारों से की गई भारी गोलाबारी में 5 निर्दोष गांव वाले मारे गए, जबकि 40 से ज्यादा घायल हो गए। अभी तक तो 21-22 जो इंजरी है, जो कुछ लोगों का अभी पता नहीं चला कि कितनी इंजरी है, लेकिन हमें कुछ लोगों ने आर्मी को उठा के लाया, कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल कहें यहाँ की लोकल एम्बुलेंस है यहाँ पे, उसने हमारी बड़ी मदद की। टारगेट अरनिया को बनाया हुआ है, जो अरनिया गाँव है, टाउन है हमारा, ये म्यूनसिपल कमेटी है और ये जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा गाँव है। और मैं ये बताऊंगा कि ये एक घर के कोई 3-4 लोग इंजर्ड हुए हैं, एक की तो डेथ हो चुकी है, जो राकेश कुमार हमारा नैया माशा में कोठे का रहने वाला है, और उसकी फैमिली जो 3-4 लोग हैं और वो भी बहुत सीरियस इंजर्ड है। पाकिस्तान ने अपनी बहुत दोषियों मार्ट के गोले, अभी भी आप लोग आवाज सुन रहे हैं कि मार्ट के गोले चल रहे हैं। पाकिस्तानी गोलीबारी के बाद गाँव में तबाही का मंजर है। भारत सरकार ने पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर कड़ी आपत्ति जताते हुए भारतीय सेना से मुंहतोड़ जवाब देने को कहा है कि पाकिस्तान को अब सीज फायर वायलेशन बंद करना चाहिए और उसे हकीकत को समझना चाहिए कि भारत में अब जमाना बदल चुका है। बस बार बार सीज फायर वायलेशन करना, और हमारे आज 4-5 लोग मारे गए हैं, ये खबर मुझे मिली है और इसकी जानकारी अभी हमको जो हमारे बीएसएफ के डीजी हैं उन्होंने हासिल कराई है, हमारी उनसे बातचीत हुई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पे और एलओसी पे तनाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन करते हैं, मासूम नागरिकों पर हमला होता है और उनकी जान जाती है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकार के आचरण से दोनों देशों के संबंध सुधरने में वो स्वयं रुकावटें पैदा कर रहा है, और हमारे जवान पूर्ण रूप से सक्षम है इस प्रकार के सभी आक्रमणों का, जो आवश्यकता के अनुसार जो रिस्पांस या उसका उत्तर देना चाहिए वो देने के लिए। सरकार की तरफ से मिले निर्देश के बाद बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान सीमा पर तनाव अपने चरम पर है। जो घटना हुई है तो बहुत ही खराब घटना हुई, इतने सिविलियंस की इंजरी और कैजुअल्टी हुई बहुत अच्छी घटना तो नहीं है, लेकिन बीएसएफ ने जवाबी कार्रवाई की है और अभी तक हमें जो खबर मिल रही है पाकिस्तान की तरफ भी काफी क्षति हुई है और आगे देखिए भी क्या होता है। लेकिन निर्देश नहीं है, लेकिन बीएसएफ एक प्रोफेशनल फोर्स है, इसको जो जवाबी कार्रवाई करनी होगी वो करेगी। पाकिस्तान में सेना और आईएसआई पहले ही भारत के साथ शांति नहीं चाहते हैं। वहीं रेंजर्स चीफ रिजवान अख्तर को जब से आईएसआई का प्रमुख बनाया गया है सीमा पर हालात तेजी से खराब हुए हैं। पाकिस्तान की नवाज शरीफ सरकार पहले से ही पाकिस्तान की अंदरूनी समस्याओं से घिरी हुई है। इमरान खान और मौलाना कादरी के सरकार विरोधी आंदोलन ने उसकी हालत बद से बदतर कर दी है। पाकिस्तान में अपनी छवि सुधारने के लिए नवाज शरीफ ने कश्मीर मुद्दे को हवा देनी शुरू की। यूएन में शरीफ ने कश्मीर मुद्दा उठाया, लेकिन विश्व समुदाय ने तवज्जो नहीं दी। द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर स्टिल वेटिंग फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दैट प्रॉमिस। Many generations of Kashmiris have lived their lives under occupation, accompanied by violence and abuse of their fundamental rights. Kashmiri women in particular have suffered immensely.
The core issue of Jammu and Kashmir has to be resolved. This is the responsibility of the international community. Pakistan is ready to work for resolution of this issue through negotiations. Our support and advocacy of the right to self-determination of the people of Jammu and Kashmir. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएन में साफ कर दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, इसे दोनों को ही सुलझाना होगा। मैं पाकिस्तान से मित्रता और सहयोग बढ़ाने के लिए पूरी गंभीरता से शांतिपूर्ण वातावरण में बिना आतंक के साये के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान का भी यह दायित्व है कि उपयुक्त वातावरण बनाए और गंभीरता से द्विपक्षीय बातचीत के लिए सामने आए। अमेरिका में पीएम नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा के संबंधों में जिस तरह की गर्मजोशी देखी गई, उसने भी पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ा दी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन से मिले दान से ही चलती है। पीएम मोदी के दौरे के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान में गढ़ बनाए बैठे आतंकी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन और लश्कर ए तैयबा पर वित्तीय प्रतिबंध लगा दिया। वहीं मुंबई बम धमाके का आरोपी मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम को उसकी आरामगाह से बाहर निकालने के लिए अमेरिकी सहयोग के ऐलान के बाद पाकिस्तान बेचैन उठा, क्योंकि दाऊद के पाकिस्तान में छिपे होने का भारत सैकड़ों बार सुराग दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। तो आखिर सवाल उठता है कि अगर भारत की तरफ से इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं, फिर भी पाकिस्तान मानने को आखिर क्यों तैयार नहीं है? और जो लोग अब भारतीय सीमा पर मारे गए हैं, उन भारतीय नागरिकों की मौत का अब क्या जवाब पाकिस्तान के पास है? इसी जवाब को हम तलाशेंगे। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मेरे साथ चंद्रशेखर राय साहब हैं, बीजेपी नेता, बीडी मिश्रा साहब डिफेंस एक्सपर्ट, ओम प्रकाश गुप्ता जी विदेश मामलों के जानकार, सुरेश वर्मा वरिष्ठ पत्रकार और सुखबीर सिंह हुड्डा राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मैं यहां पर बीडी मिश्रा साहब आपके पास आना चाहता हूं। ये इतनी बड़ी कैजुअलिटी और पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन, भारत भले ही अगर अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हो कि एक स्ट्रांग मैसेज पहुंचे, यूएन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि द्विपक्षीय बातचीत होनी चाहिए, लेकिन शायद पाकिस्तान के जहन में वो स्ट्रांग मैसेज पहुंचता नहीं है, शायद हम अपनी आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, और जितनी भी प्रोफेशनल आर्मी वर्ल्ड की हैं वो जिनेवा कन्वेंशन से गवर्न होती हैं। लेकिन आज इतनी बड़ी ये शर्म की बात है कि पाकिस्तान की आर्मी अब आतंकवाद का मेथड अपना लिए है। कभी भी कोई भी आर्मी सिविलियन ठिकाने पर शेलिंग नहीं करती है, कल्चरल प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान आर्मी ने एक गांव पर शेलिंग करके और वहां इतने लोगों को जख्मी बनाया है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्ल्ड की यह पहली आर्मी शर्मनाक काम कर रही है जो कि सिविलियंस को टारगेट कर रही है और एक आर्म्ड फोर्सेस का आतंकवाद का एक नया तरीका निकाल रही है। और दूसरी बात, मैं ये समझता हूं कि जितनी भी कार्रवाई पाकिस्तान की हो रही है आज के दिन, यह नवाज शरीफ के कंट्रोल के बाहर है। सिंपल सी बात है, मैं आपको कोट भी करना चाहता हूं। मैंने टेलीविजन पर ही एक प्रोग्राम देखा था जिसमें पाकिस्तान के एक वरिष्ठ ऑफिसर, वो टेलीविजन पर थे और मैं इंडियन चैनल देख रहा था, और वहां पर उन्होंने यह कहा कि नवाज शरीफ, जबकि कादरी का और इमरान का ये जो प्रदर्शन चल रहा था कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट तो जाने वाली है, क्योंकि इसको हम लोगों ने यह कहा था कि ये जाके सिर्फ वहां हाथ मिला के चला आए और ये वहां जाके अपने व्यापार की बात कर रहा था। तो ये सब चीजें जितनी हो रही हैं ये नवाज शरीफ के कंट्रोल के बाहर की हैं। और तीसरी बात, सबसे बड़ा खतरा आज पाकिस्तान को यहां भारत की स्ट्रांग लीडरशिप का है। जब से मोदी जी यहां के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से उन्होंने, चाहे चाइना का फ्रंट हो चाहे पाकिस्तान का, उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रांग स्टैंस अख्तियार किया है। और वो पाकिस्तान की आर्मी, वो सिर्फ आर्म फोर्सेस का जो मेथड है, प्रिंसिपल्स ऑफ वार हैं, सिर्फ उसी को नहीं फॉलो करते हैं, वो हर तरीके से अपनी वहां अहमियत बनाए रखना चाहते हैं। तो अब वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से
अगर यहां की स्ट्रांग लीडरशिप कमजोर होगी तो उनका हौसला और बढ़ेगा। इस वजह से मैं तो यह समझता हूं कि यहां पर दो प्रोविंशियल इलेक्शंस बहुत ही अहम हो रहे हैं अभी, और इसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी एक अहम कदम उठाए हैं, उनके खुद कैंडिडेट हैं, और पाकिस्तान की आर्मी यह जानती है कि मोदी जी की लीडरशिप अगर यहां पर विजय हुई बीजेपी की तो बड़ी कमजोर पड़ जाएगी, और यह मामला पूरा सिविलियंस को मारना, इस तरीके की हरकत करना एक उनकी बड़ी साजिश है, और यह साजिश उनके आतंकवाद को का प्रदर्शन करती है, और दूसरा एक हमारे यहां डिस्टेबिलाइजेशन का प्रदर्शन करती है, और वह नहीं चाहते हैं कि भारत में कोई भी लीडरशिप कभी भी स्ट्रांग हो, क्योंकि वह यूज्ड हो गए हैं पिछले 60 सालों के, हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं रही है एक्सेप्ट 1971। चलिए ठीक है, राय साहब आपसे जानना चाहता हूं, यहां पर लगातार ये बातें कही गई हैं कि बीजेपी या जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं एक वातावरण बदल गया है। आज भी बीजेपी के कुछ नेता इस तरीके से बोलते हुए नजर आए जिसमें कहा गया कि अब पहले वाली परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन बॉर्डर पर वो परिस्थितियां नहीं बदली हैं, 100 से ज्यादा बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। सवाल यह है हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सुमित जी, पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे बीच में रक्षा विशेषज्ञ मिश्रा जी ने बातें कही उन्होंने पूरी बात का एक सार कह दिया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से पिछले लंबे समय से पाकिस्तान के जो राजनीतिक हालात रहे हैं, जिसमें वहां के धर्मगुरु कादरी और इमरान दोनों ने जिस तरह से घेरा है, और अगर पूर्व में भी अगर पाकिस्तान की परिस्थिति को देखा जाए तो जब भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनल संकट आता है, वैसे तो वो 365 दिन एक ही राग अलापते हैं, कश्मीर है, भारत है, उसके खिलाफ बोलना है, लेकिन तब तक वो लोग बोलते हैं, लेकिन जब वो घिर जाते हैं अंदरूनी हालात में, चाहे आज की बात हो चाहे भुट्टो के समय की बात हो, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करते हैं कि वो अटैक करें, कुछ इस तरह से करें कि वहां की जनता, राय साहब मैं जो मैं बात कह रहा हूं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि हम किसका इंतजार कर रहे हैं, हम किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे। आप नहीं, मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, आप मेरा सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान की ये परिस्थितियां हैं जब उनके पास कुछ नहीं बचता तो कश्मीर मुद्दे को उठा लेते हैं। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, फिर हम क्या कर रहे हैं? मैं आपको जवाब जनता को भरने के लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि किसी भी दो देशों के बीच में शुरुआत बातचीत से होती है और बात नहीं होती, अभी रेंजर अपनी सतह पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान चाहता है कि मैं इस लड़ाई को इतना बढ़ा दूं कि इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि बायलेटरल बात होनी चाहिए, उसके अंदर वो यूएन को या किसी दूसरी एजेंसी को ले आए, इस बात को हालात ऐसे पता करना चाहता है। अगर लड़ाई ही अंतिम बात रह जाती है कि नहीं साहब लड़के ही करना, तो पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान दो दिन से ज्यादा चलने की स्थिति में नहीं है, वो बहुत अच्छी तरह जानता है, लेकिन वो जानता है ये भी बात कि जिस दिन ये लड़ाई शुरू हो गई कहीं ना कहीं मैं बीच में किसी ना किसी को ले आऊंगा। और केवल पाकिस्तान को इस तरह से ना देखिए कि केवल वो पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान के पीछे ऐसी बहुत सी फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को उकसा रही है इस काम को करने के लिए, जिससे इंडिया डिस्टर्ब हो। इंडिया के अंदर जिस तरह से मोदी जी ने मजबूती से पकड़ बनाई है, और न केवल भारत में बल्कि विश्व में अपना फतह उन्होंने लगा दिया, एक विश्व गुरु जिसको हम भारत को कहते हैं, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लीडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान इससे बेचैन है, वो उकसा रहा है भारत को। अगर पाकिस्तान ये तमाम हरकतें कर रहा है जी जी, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब, मैंने कहा आपको अपने भारतीय सीमा पर जो जवान तैनात है उन्हें मरने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या हम उस तरीके से एक स्ट्रांग मैसेज नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, जाहिर है जिस तरीके जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मैं पाकिस्तान के पीछे कई तरीके की शक्तियां काम कर रही हैं, लेकिन हमें उन शक्तियों के लिए तैयार होने की क्या कोशिश करनी चाहिए? मेरी एक बात सुनिए, जितनी बातें आपको यहां पता चल रही हैं कि हिंदुस्तान में इतने हताहत हुए हैं, उससे ज्यादा पाकिस्तान का मीडिया वहां दिखा रहा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमने उससे ज्यादा मार दिए, बल्कि वो इसलिए दिखा रहा है कि यूएन या दूसरे जो लोग हैं जिसमें हम द्विपक्षीय की बात कर रहे हैं, नहीं बीच में एक मध्यस्थता हो, हम लेकर के आए और वो बताए कि साहब सीरियसनेस है, वो सीरियसनेस को बढ़ा रहा है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि जो हमारे काबू में नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से आर्मी टेक ओवर करेगी और पाकिस्तान का सत्यानाश करेगी। ठीक है, ओपी गुप्ता साहब, हमारी स्ट्रेटेजी क्या उतनी स्ट्रांग हो पाई है जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे? और अब सवाल यह है कि आखिर इतनी परिस्थितियां जो आगे बढ़ी हैं या जिसमें कहा गया है कि हमारी जो कूटनीतिक कोशिशें हैं वो पाकिस्तान के लिए सख्त हुई हैं, तो पाकिस्तान को सुनता क्यों नहीं है? देखिए, कोई भी चीज को सुनने सुनाने के लिए एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, उस पॉइंट के ऊपर जब एक्शन होता है तभी उधर से रिएक्शन होता है। ये मोदी सरकार जो है यूपीए गवर्नमेंट से कहीं अधिक सक्षम है
कहीं अधिक दृढ़ता पूर्वक जवाब दे रही है, बॉर्डर पर अपनी ओर से भी एक्शन हो रहा है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जैसे आपने कहा कि वो इसको मल्टीलेटरलाइज करना चाहता है जिससे वार टाइप कंडीशन क्रिएट हो तो बाहर की फोर्सेज आवे, ये उसका है। लेकिन हमारा सुझाव रहेगा मोदी सरकार को कि केवल युद्ध या केवल गोली चलाना ही सलूशन नहीं है, हमको दूसरे डिप्लोमेटिक फ्रंट्स भी खोलने चाहिए जिससे कि पाकिस्तान की कमजोरी सामने आवे। जब वो प्लेबिसिट की बात करता है, जब वो आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा, मेरा सवाल ये है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक रास्ते में खोलने होंगे, जो जिस तरीके से पहले भारत की तरफ से जो बातचीत का रास्ता बंद किया गया, आप उसे खोलने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम बायलेटरल बात खोलने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान जो है कश्मीर की प्लेबिसिट और सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात उठाता है तो सब कॉन्टिनेंट में और भी ग्रुप्स हैं जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, जैसे पख्तूनस हुए, बलूच हुए, सिंधीज हुए और कलात के लोग हैं। ये सब चीजें पॉइंट्स भी हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये सभी पॉइंट्स हमारे भारत के प्रधानमंत्री पर्सनली उठावें, ये जरूरी, लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स, यहाँ के टीवी मीडिया, ये सब भी ये सब पॉइंट्स उठावें जिससे कि पाकिस्तान को मल्टीलेटरल पॉइंट्स पर ये सब प्रॉब्लम फेस करनी हो। ठीक, हुड्डा साहब, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या जो अगर जिस तरीके से यहां पर ओपी गुप्ता साहब ने कहा कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना चाहता है कि जो जंग की परिस्थितियों की ओर इशारा कर रहा, तो क्या हमें अब कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक हो रहे हैं हम लोग, या हम पीछे हट रहे हैं, या हमें भी उसी तरीके की अब कहीं ना कहीं एग्रेशन दिखाने की जरूरत है? सुमित जी, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, मोदी साहब ने जब से वो एज ए प्राइम मिनिस्टर की उन्होंने जब से कुर्सी पे आए हैं, उन्होंने अपना कद वर्ल्ड वाइड इतना ऊंचा कर लिया है। अगर मोदी साहब थोड़ा सा भी इस केस में अग्रेशन दिखाते हैं, क्योंकि मोदी साहब की जो आप उनकी जो पर्सनैलिटी से झलकता है, जो जैसे उन्होंने करके दिखाया वर्ल्ड लेवल पे, यूएन के अंदर या अपनी ओथ सेरेमनी के अंदर, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुला के, चाइना के प्रेसिडेंट को बुला के, मोदी साहब ने जो अपना दायरा, ये जो अपनी इमेज बिल्डिंग थी, मोदी साहब ने अपनी खुद की जो इमेज बिल्डिंग थी वो इतनी स्ट्रांग कर ली थी कि उसके उसकी अपना जो वजन था उनकी पर्सनैलिटी का, वो ये दरकाने लग गया था कि मोदी साहब बातों पर या कूटनीतिक ऐसा स्टेप लेंगे जिससे सामने वाले, जैसे चाइना को उन्होंने जितना पोलाइटली या सिंगल हैंडली थोड़ा सा हैंडल करके विदाउट एनी वार उनको वो किया है, उसी तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान को भी वो उसी तरीके से लेके आएंगे। और सुमित जी, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मुद्दा आ रखा है, पाकिस्तान का इश्यू है सिर्फ इमेज बिल्डिंग का, क्योंकि पाकिस्तान की अपनी इमेज इवन यूएन में विद इन द कंट्री, जिसमें मेरे साथी राय साहब ने बोला कि भाई नवाज शरीफ की, कादरी साहब, इमरान जा की, उन सब लोगों के प्रेशर आने के बाद जो पाकिस्तान की इंटरनल इमेज जो खराब हुई है, आज वो हिंदुस्तान के ऊपर जो फायरिंग कर रहे हैं उसके रेटेलेशन हम कर रहे हैं, उसको 100 गुना बढ़ा के वो दिखा रहे हैं। मीन्स वो हमारी वो, आप खुद 10 गोली चला के हमारी एक चलती है तो उसको 100 गुना दिखा के वहां अंदर से सहमति ले रहा है, नंबर वन। नंबर टू, उनके जो ISI के चीफ आए कादरी साहब, वो अपने आप को एक स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। उनका फर्स्ट ये है कि जब तक अगर ISI में आपको रिजवान साहब, रिजवान अख्तर साहब को अगर उन्होंने अपने आप को वहां पे प्रूव करना है तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी होती है कि भी कुछ करके दिखाओ। वो उनका एक करने वाला इनिशियल पेपर जो एक होता है ना, परसेप्चुअल सा जो काम चल रहा है वो करके दिखा रहे हैं। तो सुमित जी, ओवरऑल जब कहा, देखिए मोदी साहब एक हमारे सीनियर साहब ने बताया कि पैनलिस्ट ने बताया कि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट होता है, मोदी साहब ये नहीं है कि कल आके उनके एक बोल्ड स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन मोदी साहब ने अभी भी जेटली साहब को और हमारे होम मिनिस्टर साहब को, दोनों को फ्रंट किया है। चाहते तो मोदी साहब आज भी धाड़ सकते थे, कल भी धाड़ सकते थे और परसों भी कर देंगे, लेकिन मोदी साहब ने अभी अपने उस कद को बचा के रखा है। और अभी नहीं हुड्डा साहब, अगर वो चुनाव के दौरान अगर ये कहते हैं कि हमारा एक जवान का सिर काटा गया है तो हम 5 का लेकर आएंगे, तो अब क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? नहीं, उसका मैं आपको, देखिए उसको हमने भी बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, हमने भी बीजेपी के साथी मित्रों और काफी जो सुलझे हुए लोग हैं उनसे हम इनपुट, मैंने भी खुद उनसे समझने की कोशिश की है क्या है कि मोदी साहब को अभी जुमा 100 दिन हुए हैं और इंडिया की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो उससे अभी बाहर निकल के उन्होंने अपना एक कद दिखाया है और लोगों को अपना विजन दिखाया है। वो अभी से कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक प्रेशर डलवा के विद इन देयर ओन मिनिस्ट्री या एक्सटर्नल प्रेशर डलवा के कोशिश कर रहे थे वहां पे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोदी साहब को फ्रंट में आना पड़ेगा और इसको संभालना पड़ेगा। ठीक ठीक है, सुदेश शर्मा जी, क्या हमारी कूटनीतिक कोशिशें शपथ ग्रहण समारोह में तमाम देश और साथ साथ पाकिस्तान को इन्वाइट करना, शॉल का आदान प्रदान हुआ दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में, वो तमाम चीजें फेल हो गई हैं? देखिए,
ये जो आपने बताया एक बहुत अच्छी पहल थी कि सारे साग जैसे के लोगों को बुलाया गया, नवाज शरीफ भी आए, और उसके बाद ही जैसे ही यहां के अम्बेसडर ने बात किया हुर्रियत लीडर से, सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग कैंसिल हो गई। पाकिस्तान को सीधा मैसेज गया कि अगर प्रोवोक करोगे इस तरह से तो बातचीत नहीं हो सकता। यूएन जाते हैं नवाज शरीफ, वहां बहुत लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी का बयान आता है कि पहले सुधरो, अपने आदतों को सुधारो, फिर बायलेटरल बात करेंगे, और वहां पाकिस्तान ऑलमोस्ट माफी मांगता है कि गलती हुई थी, फिर बात वो माफी मांगी गई। मैं ठीक कह रहे हैं आप सुदेश जी, लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद फिर वो उससे ज्यादा बड़ी गलती उस पर आ रहे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने घेरा है पाकिस्तान को, क्योंकि डिप्लोमेसी में देखिए आज का वो जमाना नहीं है कि आप अटैक कर दीजिए। पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है, और पूरे वर्ल्ड का स्टेक है कि ये दोनों देश आपस में न लड़ें। कन्वेंशनल वॉरफेयर में पाकिस्तान इंडिया से कभी नहीं जीत पाएगा, पाकिस्तान को ये मालूम है। ये दो पड़ोसी की लड़ाई है, एक पड़ोसी जो हेट इंडिया कैंपेन में सर्वाइव किया, और दूसरा पड़ोसी के पास बहुत बड़ा एजेंडा है कि देश को इकोनॉमिक पावर कैसे बनाना है। पाकिस्तान उसके फिगर ही नहीं करता उसके उसमें। तो एक पड़ोसी जब आगे निकल जाता है तो सारे चरमराते हैं, जब दायरे जब वो पूरी तरफ से घिरने लगता है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान आगे क्या करता है, अपने हुर्रियत को क्या मैसेज देगा, बाकी लोगों को क्या मैसेज देगा, इंटरनल पॉलिटिक्स को क्या मैसेज देगा। और यही तिलमिलाहट में पाकिस्तान ने ये काम किया है, और नरेंद्र मोदी को प्रभोक करने की कोशिश की है कि तुम कर लो जो करना है, बहुत भाषण दे लिए। और मैं बिल्कुल हुडा साहब से एग्री करता हूं, नरेंद्र मोदी का कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो पाकिस्तान को एक हैंडल देगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी घिर रहा है चाइना से। अगर भारत के संबंध सही हो रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना की बैकिंग पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। चलिए ठीक, बेटे मिश्रा साहब, मेरा सवाल यह है कि जाहिर है कि भारत जो है, हम जिस तरीके से यहां पर सुदेश वर्मा साहब ने कहा कि एकदम अटैक नहीं कर सकते, अब के जो एटमॉस्फेयर है या जिस तरीके के हालात हैं उसमें काफी कुछ चीजें बदल गई हैं, आप एकदम अटैक ना करें, लेकिन सवाल यह है, भारत युद्ध नहीं चाहता है, जंग नहीं चाहता है, लेकिन एक ऐसा देश जो लगातार हम पर तुला हुआ है कि नहीं आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर रहे हैं, हम आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आपके नागरिकों को मारेंगे, आपको शांति से ना रहेंगे, ना खुद रहेंगे, ना आपको नहर रहने देंगे, तब अगर ये परिस्थितियां बन रही हैं तो हम क्या करें? क्या सिर्फ हम इसी तरीके से सिर्फ शब्द बाण छोड़ते रहें और पाकिस्तान की तरफ से गोलियां खाते रहें? मेरे ख्याल से शब्द बाण इस बार नहीं छोड़े गए हैं, इस बार मॉर्टर बॉम्ब छोड़े गए हैं, और ये जो मॉर्टर बॉम्ब छोड़े गए हैं इसका इंपैक्ट हुआ है। आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान आपका नेबर है, ज्योग्राफिकल एंटिटी है, और आप उसको विश अवे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है 14 अगस्त 1947 को, तब से लेकर के आज तक वहां जो आर्मी का माहौल है वह यह है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मित्रता हो गई तो वहां के आर्मी वालों को छुट्टी जाना पड़ेगा, और वो कोई भी फौज, पाकिस्तान का कोई भी फौज का चीफ हो या पाकिस्तान के आर्मी का चीफ, किसी को आईएसआई का चीफ बनाए उसको ये मंजूर नहीं है, घर पर छुट्टी नहीं कर सकता है। तो इसलिए आप कुछ भी कर लें, पाकिस्तान हमेशा बॉर्डर पर टेंशन बनाए रहेगा। आप उनके जनरल को भी मारेंगे, उनकी पूरी पॉपुलेशन को भी मारेंगे, तब भी वो बनाएंगे। उनकी एक विन विन सिचुएशन है, और विन विन सिचुएशन ये है कि जितना वो इंडियन आर्मी को प्रवोक करेंगे और जितना रिटेलिएशन होगा उतना ही उनका, उनकी जनता ये समझेगी कि हिंदुस्तान यह काफिरों का देश, यह निहायत हमारे ऊपर तुला हुआ है कि हमको खा जाए। तो ये जो बात है ये पाकिस्तान आर्मी को बिल्कुल मालूम है, और इसी वजह से पाकिस्तान की आर्मी हमेशा प्रोवोकेशन का एक जरिया इस्तेमाल करती है, और आज भी वही कर रही है। लेकिन यह भ्रम आप मिटा दें, पिछले 10 सालों में, या मैं भी बॉर्डर पर था 1978 से 81 तक, मैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, मैंने बटालियन कमांड की है पुंछ में, और हमारी वहां पर 17 पोस्ट थी, 8 हमारी उनके नीचे, 8 हमारी उनसे ऊपर थी और 9 हमारी उनसे नीचे थी, वहां पर हम रिटेलिएशन करते थे। लेकिन यह छूट हमको कभी नहीं मिली थी कि अगर वो फायर करते हैं तो आप जवाब दें। यह पहली बार इंडियन आर्मी को या बीएसएफ को यह छूट मिली है, और यह रिटेलिएशन कारगर है। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं आपको कि आप उनके 3 सिविलियन मारेंगे तो भी उनकी एक विन विन सिचुएशन रहेगी, क्योंकि वो अपने सिविलियन कहेंगे कि देखो नवाज शरीफ हाथ मिलाता है और ये लोग आपको मार रहे हैं।
तो ये बात आपको रियलाइज करना पड़ेगा, ये एक प्लान के तहत करना पड़ेगा और इसमें तमाम मल्टी फ्रंटल अप्रोच होगा, जैसे कि लोगों ने कहा कि डिप्लोमेटिक हो, नेबरली हो, दूसरे का इन्फ्लुएंस हो, अपना रिटेलिएशन हो, और उनके यहां जो इंटरनल प्रॉब्लम है उसको भी हम कहीं ना कहीं एक ऐसी पैनी नजर से देखें कि वो हमारे हित में हो। ठीक है ओपी गुप्ता साहब, सवाल यह है कि अगर विन विन सिचुएशन दोनों ही पाकिस्तान की तरफ है तो भारत के पास रास्ता क्या बचता है? जैसा कि मैंने पहले कहा कि मोदी सरकार ने अपने फील्ड कमांडर्स को फ्रीडम दी है कि लोकल एक्शन आप लें, अपने लेवल पर लें। दूसरा चीज जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत को देखते हुए, जैसे पाकिस्तान सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करता है, वैसे ही हम बलूच, सिंध, पश्तून, सेरिकाई, इन लोगों के भी जो है वो फ्रीडम की बात करें, उनको डीस्टेबलाइज करें जैसे पाकिस्तान करता है। मैंने मल्टी फ्रंटल अटैक होना चाहिए पाकिस्तान पर, जो केवल आर्मी और बीएसएफ तक न रहे बल्कि ये नए फ्रंट्स खोले जाए। ठीक, और यही लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। ठीक है राय साहब, और हमको कोई रोकता नहीं है कि वहां के जो लोग आजादी मांग रहे हैं, चाहे वो कराची के हो, चाहे गिलगित के हो, कहीं के हो, हम भी उनसे बात कर सकते हैं, हम कौन से इसमें पिछड़े हुए हैं। हमको बात करना चाहिए उन लोगों से। ठीक, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान को समझ में फिर भी क्यों नहीं आ रहा है? हमारी तरफ से कोशिशें भले ही की गई, लेकिन राय साहब एक जवाब मैं आपसे यहां पर लेना चाहता हूं। जिस वक्त लगातार लोकसभा चुनाव की प्रचार चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर पाकिस्तान के बारे में बोलते हुए नजर आ जाते थे। अब विधानसभा चुनाव की चुनाव प्रचार इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, एक भी बात उनकी तरफ से निकलकर सामने क्यों नहीं आती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार कर रही है इस पर कार्रवाई। मैं आपको एक चीज और बता दूं, हम टीवी पे डिबेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ये हैं, पाकिस्तान की आर्मी ऐसा चाहती है, जैसा मिश्रा जी ने बताया, ओपी गुप्ता साहब ने बताया कि उन्होंने पूरे हालात की जिक्र किया। विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जो इन हालात को समझता ना हो। पाकिस्तान की जो झुंझलाहट है, जिसको वो जिसको हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, उसको पूरा विश्व समझ रहा है। और ये चीज हम कहते हैं कि हम बायलेटरल टॉक्स पे बात करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की कूटनीति ये भी बता रही है कि देखिए इस आदमी के हालात ये हैं कि कल अगर हम इसको देशी भाषा में कहते हैं, अगर हम इसको निपटाते हैं तो यहां विश्व खड़ा होकर के इस बात को न कहे कि हमने निपटा दिया। जो एक कहा गया कि एक हद तक लेके आने की बात हो रही है, उस हद तक हम लेके आने देंगे, क्योंकि जैसा मिश्रा जी ने कहा कि उनके पास दोनों तरह से विन विन सिचुएशन है कि हम प्रोवोक भी करेंगे और आप हमें मारेंगे तो भी हमारा एक तरह से कहने के लिए रहेगा देखिए साहब इन्होंने हमको मार दिया, क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि वो हमारे संग लड़ सके, ऐसे हालात नहीं है कि वो हमारे संग लड़ाई को लंबे समय तक खींच सके, लेकिन जरूर ऐसा है कि अगर हम उनको मारने जाते हैं या ऐसे हालात पैदा करते हैं जिसमें हम उनके सर्वनाश करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विश्व समुदाय आगे खड़ा हो जाएगा और न चाहते हुए भारत पाकिस्तान के बीच में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ रहा है, हमारे बिना कहे पड़ रहा है कि आपके इस सब काम करने से अशांति फैल रही है और इसको पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन मैं साथ में और आपको बता दूं, जैसे कि अभी गृह मंत्री का और रक्षा मंत्री का बयान आया है कि आप हम इस तरह से नहीं रुकेंगे, आने वाले समय में आप महसूस करेंगे कि उनको जिस तरह का जवाब चाहिए उनको प्रॉपर जवाब मिलेगा। लेकिन वहां के जो रहने वाले हैं हुड्डा साहब, उन्हें क्या समझ में आ रहा है? वो जो लोग रात के समय सोते हैं उन्हें दिन में यह पता नहीं होता कि सुबह वो जगेंगे या नहीं जगेंगे, उन लोगों के पास क्या भारत सरकार का ये स्ट्रांग मैसेज, जो ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार कदम उठा रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायद उनका वो डर जो है वो दूर हो पाया है इतने वक्त के बावजूद भी। देखिए सुमित जी, मैं आपकी इस बात से अग्री करता हूं कि टू बी हॉनेस्ट, हिंदुस्तान के लोगों ने कम से कम मोदी साहब की ओथ लेने के बाद ये सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं की थी कि हम इस लेवल यहां पे आके खड़े हो जाएंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोदी साहब के होते हुए पाकिस्तान की ये जरूरत हो जाएगी, और ये हमारे लिए थोड़ा सा अनवांटेड, थोड़ा सा ऑड काइंड ऑफ सिचुएशन हो गई है। और इसको बड़ा, अब मेरे ख्याल से मोदी साहब ने अपने दो बड़े सीनियर मिनिस्टर्स के नंबर टू और नंबर थ्री की ड्यूटी लगाई है इसको हैंडल करने के लिए, क्योंकि लोगों के लिए एक ये बड़ा आज के टाइम हर घर का मुद्दा बन गया कि मोदी साहब के होते हुए भी क्या इंदिरा गांधी जी के बाद अगर कोई किसी के अंदर कोई अगर वो देखा जा रहा है, वो पाकिस्तान को करा रहा है जवाब देने के लिए, तो मोदी साहब आए हैं। और मतलब कंपैरिजन हो गया कि इंदिरा गांधी के बाद मोदी साहब, और मोदी साहब के सामने पाकिस्तान की ये हरकत, तो लोगों के आज ये क्या कहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ बन गया है। और मोदी साहब मेरे ख्याल से उन्होंने ये टेकन अप वेरी सीरियसली, जो पिछले एक दो दिन से लग रहा है, जैसे फ्री हैंड दिया गया है, मिनिस्टर सामने आने लग गए हैं,
और इसके साथ में देखिए सुमित जी, इसके साथ जो एक प्रॉब्लम जुड़ी है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको एक सेकंड लूंगा, आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की जलन क्या है। हिंदुस्तान का चांद के ऊपर पहुंचना, सिंगल हैंडली हिंदुस्तान के अंदर मेजोरिटी आना, मोदी साहब की वर्ल्ड के ऊपर इतनी बड़ी लोकप्रियता होना जिसके लिए बराक ओबामा साहब नंबर वन कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनकी वेट करते रहना, और हिंदुस्तान के अंदर FDI जाना ये, और चाइना के प्रेसिडेंट को यहां पे आना। आप देखिए मैं वही कह रहा हूं कि जो इस तरह के पॉइंट्स है, पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास बिजली आज के टाइम बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका बुरा हाल है, बिजली पूरे पाकिस्तान के अंदर मुश्किल से 2 घंटा एक इंसान को मिलती है। पाकिस्तान के पास FDI नाम की कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान के मतलब आर्मी का ये बजट कहां से आएगा? मैं आपकी बात समझिए, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान जो है अलग थलग नजर आ रहा है। मैं सुमित जी वही कंक्लूड कर रहा था कि पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो फ्रस्ट्रेशन है अब और देखने को मिलेगी। अब पाकिस्तान किसके पास जाए? किसके पास जाता था? चाइना, US, नेपाल, अलग थलग जो है पाकिस्तान पड़ा है पूरे विश्व में अगर यहां पर बात की जाए। बिल्कुल अब वापस आऊंगा मैं आपके पास। सुदेश जी सवाल ये है, अलग थलग जरूर पाकिस्तान पड़ा है लेकिन नुकसान तो हमारा हो रहा है, फिर भी नागरिक हमारे मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं और ये बहुत ही चिंता का विषय है और हम लोगों को ऐसा रिटेलिएशन नहीं देना चाहिए कि उनके नागरिक बने, उनके नागरिक से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन अगर आर्मी वाला कर रहा है तो आर्मी के पास फ्रीडम है, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने बताया पहली बार मिला है कि आप उसको फील्ड लेवल में एक्शन लीजिए। होम मिनिस्ट्री इसलिए इन्वॉल्व है कि होम मिनिस्ट्री का भी एक विंग है जो बॉर्डर सिक्योरिटी में होता है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जो कि जेटली जी हैं, इसलिए जेटली जी इन्वॉल्व है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान की तिलमिलाहट जो दिख रही है, पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि वो घिर रहा है और भारत के पास कैपेबिलिटी है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है, उसकी कैपेबिलिटी में कोई डाउट नहीं है। किसी भी कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान को भारत कभी भी हरा सकता है। अब ये है कि आपको याद है ऑपरेशन पराक्रम लिया गया था NDA के समय जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, पूरी दुनिया हिल गई थी, इतना बड़ा आर्मी का मूवमेंट हुआ, अगर कुछ हो जाता तो बड़ी मुश्किल से वो बचा, वो स्पार्क अगर खराब हो जाता तो। कारगिल मोस्ट डिफिकल्ट वॉर, कैसे भारत ने उसको अपने पक्ष में किया, यही नवाज शरीफ थे, ये बहादुरी की गाथा है हमारे आर्म फोर्सेस की। तो इंडिया को अंडरस्टिमेट नहीं करता, पाकिस्तान प्रोवोक कर रहा है, उसे मालूम है। इस शांति को शांति मत समझें, इसका जो एक्शन होगा, जरूरत नहीं है कि हम गरजे तभी एक्शन होगा, इसका एक्शन आपको फील्ड में दिखेगा बहुत जल्दी। बड़ी मजा साहब, एक सवाल जो यहां पर एक कॉम्बिनेशन सा बनता हुआ नजर आया, इसलिए मैं आपसे इस सवाल ये पूछ रहा हूं। NDA की सरकार थी, नवाज शरीफ पाकिस्तान में प्रधानमंत्री थे, अभी भी हालात वैसे ही हैं, तो कारगिल होने जा रहा है कारगिल 2, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से? मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान की आर्मी कन्वेंशनल वॉरफेयर में, लोकल वॉरफेयर में या लिमिटेड वॉरफेयर में इंडियन आर्मी के साथ इन्वॉल्व होना चाहती है, वो अभी नहीं अफोर्ड कर सकती है। क्योंकि जब भी दोनों देशों में वार हुई है तो आर्मी को ही नुकसान हुआ है, जैसे जब 1965 में वार हुई थी तो उस वक्त भी बाद में सिविलियन लीडरशिप आई। 1971 में हुई तो जो उनके डिक्टेटर थे याहिया खान वो चले गए, और जब कारगिल की वार हुई तो कारगिल के वार के बाद भी काफी उनके यहां दिक्कतें हुई, जो सिविल गवर्नमेंट थी वो चली गई। तो वार में पाकिस्तान ने कभी भी नहीं गेन किया है एक्सेप्ट 1947-48 जहां पर इंडियन लीडरशिप ने एक बहुत बड़ी गलती की थी, और वो गलती ये थी कि उन्होंने एक तरफा सीज फायर किया था जब इंडियन आर्म फोर्सेस उरी तक पहुंच गई थी, और उरी हाइट पर है और मुजफ्फराबाद जो कि बॉर्डर होता था कश्मीर महाराजा हरि सिंह का और वहां पर रोल डाउन कर सकती थी, तब लॉर्ड माउंटबेटन के इन्फ्लुएंस से हमारी लीडरशिप ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने सीज फायर किया था, और उसका भुगतान जो हम लोगों को, हमारी फौज को अब देना पड़ रहा है। 65 में भी एक गलती हुई थी, इंडियन आर्मी ने हाजी पीर पास पर कैप्चर किया था। हाजी पीर पास उरी को और पुंछ को जोड़ता है, और अगर हाजी पीर पास हम नहीं देते पाकिस्तान को ताशकंट में 1965 में, तो एक बहुत बड़ा एरिया हमारे पास आ जाता और हमारी जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो आज से कहीं बेटर होती। जो मैंने आपको कहा कि हमारी 9 हमारी पोस्ट उनके नीचे थी वो नहीं होता, लेकिन आज के दिन में वो व्यवस्था अभी बदल गई है और आज की लीडरशिप अलग है। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान कभी भी यह नहीं चाहेगा कि वो इंगेज करे। जहां तक थ्रेशोल्ड न्यूक्लियर वॉरफेयर का है,
वो पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार देश है और वहां पर हम ये कह नहीं सकते हैं कि किस आदमी के दिमाग में कब क्या मैगट जाएगा, लेकिन मैं यह समझता हूं कि जो और नेशंस हैं, कंट्रोलिंग पावर्स हैं, क्योंकि कहते हैं कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो चार ए से होता है, पहले अमेरिका, फिर आर्मी, फिर अल्लाह, उसके बाद अवाम आती है, तो शायद उसको कहीं कंट्रोल करें। तो मैं ये समझता हूं कि इतना पागलपन तो शायद कश्मीर में शायद कोर इशू को लेकर के पाकिस्तान नहीं करेगा। न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज होंगे और अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज होंगे तो कन्वेंशनल वारफेयर में पाकिस्तान आर्मी इंडियन आर्मी से नहीं इंगेज होना चाहिए। ओपी गुप्ता साहब, कन्वेंशनल जो युद्ध है या जो जंग है वो पाकिस्तान भारत से नहीं चाहता है, हैसियत नहीं है, ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान की किस तरीके की हैसियत भारत के सामने है। सवाल ये है कि तो अगर इस तरीके की जो नापाक हरकतें जो उनकी तरफ से चल रही हैं, कन्वेंशनल युद्ध होगा नहीं और ऐसी हरकतें बंद होगी नहीं, लगातार सीज फायर का उल्लंघन होगा या भारतीय नागरिक हैं जो वो इस तरीके से मारे जाएंगे या सेना पर इस तरीके से लगातार हमले होते रहेंगे, भारत क्या करे, भारत के पास कौन सी भाषा है जो पाकिस्तान को समझाया जाएगा? भारत के पास वही भाषा है कि पहला तो अपने फील्ड कमांडर्स को फुल फ्रीडम होनी चाहिए लोकल लेवल पर ऑपरेशन करने की, दूसरी हमें भी जो है नॉन स्टेट एक्टर्स बढ़ाने होंगे पाकिस्तान की हरकत का जवाब देने के लिए, तीसरा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो हमने राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात की जो पाकिस्तान के कई लोगों से उठती है, उसको भी डेमोक्रेसी होने के नाते हम लोगों को शह देना चाहिए। ये सब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हम करेंगे तभी इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए, केवल स्पीच देने या फ्यू बॉम्बिंग्स इधर उधर कर देने से नहीं होगा। पाकिस्तान कभी भी कन्वेंशनल वार और न्यूक्लियर वारफेयर में हमारे साथ नहीं आएगा। बिल्कुल, कन्वेंशनल वार में पाकिस्तान नहीं आएगा क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि अगर भारत के सामने वो आया तो कहीं ना कहीं वो साफ हो जाएगा। एक ब्रेक ले रहे हैं, चर्चा जारी है। दरअसल भारत की तरफ से अगर पाकिस्तान को सख्त रवैया उस पाकिस्तान के खिलाफ अपनाया जाता है भारत की तरफ से, तो बार बार फिर भी पाकिस्तान कश्मीर की माला क्यों जपने लगता है? दरअसल कश्मीर पाकिस्तानी सरकारों के लिए एक ऐसा मसला रहा है जो गिरती हुई सरकारों को भी बचा लिया करता है। एक अमृत का कलश कश्मीर बना हुआ है पाकिस्तानी सरकारों के लिए और कहीं ना कहीं एक बार फिर से नवाज शरीफ सरकार भी इसीलिए इस तरीके के हालात कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि जिस तरीके से अब एक बार फिर से पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है, क्या भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देगा? आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिर किस तरीके से कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी सरकारों का रवैया रहा है। पाकिस्तान की राजनीति में कश्मीर हमेशा से ही एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसके नाम पर कई सरकारें बनी और गिराई गई। हाल ही में पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भारत से पूरा का पूरा कश्मीर छीनने की कसम खाई। वहीं बिलावल के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने हिंदुस्तान से 1000 साल तक जंग जारी रखेगा का ऐलान किया था। ये सिलसिला बेनजीर भुट्टो से होते हुए बिलावल तक पहुंचा। सीज फायर उल्लंघन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हुए पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे जनरल परवेज मुशर्रफ ने भारत को धमकी दी। हिंदुस्तान को बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन की घटनाएं बंद कर देनी चाहिए। वो हमारी सेना के सब्र का इम्तिहान, नाले नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम का लगातार उल्लंघन क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान तो वहीं दूसरी तरफ चीन की घुसपैठ की घटनाएं भारत की चिंता का सबब बनी हुई है। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर थी। उस दौरान चीनी सेना लद्दाख में भारतीय सीमा में घुस आई थी। भारत चीन सीमा पर जबरदस्त तनाव था। वहीं लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहे पाकिस्तान ने उस दौरान सीमा पर एक बार भी संघर्ष विराम का उल्लंघन नहीं किया। तो सवाल उठता है कि कहीं चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने और सीमा विवाद में उलझाए रखने की रणनीति पर तो नहीं चल रहे हैं।
जिससे भारत को विकास के रास्ते से भटकाया जा सके। कश्मीर मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने की भारत की अपील के जवाब में पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी उसकी मंशा पर सवालिया निशान खड़ी करती है। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रशांत द्विवेदी की रिपोर्ट। पाकिस्तान की मंशा का इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि इस वक्त भी मेंढर सेक्टर, कठुआ और पुंछ में फायरिंग हो रही है। सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और दो सैनिक इसमें मारे गए हैं। बीडी मिश्रा साहब, सवाल यह है, जिस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ परिस्थितियां जरूर सुधरेंगी आगे जाकर, उन परिस्थितियों पर कहीं भी लगाम लगती हुई नजर नहीं आ रही है। रात फायरिंग होती है और एक बार फिर से वही हालात है। देखिए, यह 16 तारीख तक ऐसे ही चलेगा। जिस दिन इलेक्शन हो जाएंगे उस दिन के बाद उनके डीजीएमओ आएंगे, हमारे डीजीएमओ से बात करेंगे, तब सीज फायर होगा। और नहीं, वो हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया शायद, अब ये पहल वो नहीं कर रहे हैं। बीएसएफ को ऑर्डर ये मिला है कि आप फ्लैग मीटिंग का ऐसा कोई पहल मत करें, इसको वापस ले लिया है इस बात को, अभी हम नहीं पहल कर रहे हैं। तो ये जो उनकी साजिश है, ये साजिश उनकी समझबूझ के हिसाब से है और वो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो जमहूरियत है, जिसका उनसे कोई दूर दूर से लेना देना नहीं है, वो जमहूरियत डिस्टेबलाइज रहे, हमारी लीडरशिप वीक रहे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारे जितने डायरेक्ट एक्शन हो रहे हैं बॉर्डर पर हो रहे हैं, उसके अलावा अनट्रेसेबल एक्शंस भी हमारे होने चाहिए और ये हम मल्टी फ्रंटल उनके खिलाफ कार्रवाई करें, तभी ये लोग समझ सकते हैं। क्योंकि आज के दिन में अगर हम सिर्फ गोली का जवाब गोली से देंगे तो यह सफिशिएंट आज के जमाने में नहीं है। लेकिन हमको यह बड़ी खुशी है कि आज हमारी लीडरशिप कम से कम ये तो कह रही है कि हम गोली के जवाब गोली से देंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं। आज अभी आपने ही हमारे दो मंत्रियों को, बड़े सीनियर मंत्रियों का, गृह मंत्री का और रक्षा मंत्री का आपने स्टेटमेंट दिखाया। उन्होंने कहा कि यह सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वहां के पीपीपी के हुकूमत के दौरान एक वहां के मिनिस्टर साहब थे, राजा परवेज अशरफ, वो जा रहे थे अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने और उनका हम लोगों ने खैर मकदम किया था। हमारे यहाँ के विदेश मंत्री गए थे, मैंने दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत ही केयरफुली देखी थी और परवेज अशरफ की बॉडी लैंग्वेज यह थी कि वो एक मिलिट्री कमांडर है और अपने ट्रुप्स के सामने आए हैं और जो हमारे तरफ के लोग थे वो ट्रुप्स के तरह नहीं, वो तो नॉन कॉम्बैट एम्प्लाइज के तरह दिखाई पड़ रहे थे। तो कम से कम वो माहौल तो हम पहले ही दिन खत्म कर दिए हैं। ठीक है, मल्टी और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से आज की हमारी लीडरशिप हर बातों को ध्यान में रखते हुए इनके लिए अगले आने वाले 3 से 6 महीने में इनकी आर्मी को ही पता लगेगा कि यार पंगा मत लो, ये आदमी दूसरे तरीके मल्टी डायमेंशनल यहां पर बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मल्टी डायमेंशनल यहां पर अटैक करना होगा, सिर्फ गोली का जवाब गोली नहीं होना चाहिए। बीडी मिश्रा साहब, जिस तरीके से हुड्डा साहब यहां पर कह रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या हम ये समझे कि हमें सिर्फ गोली के अलावा हमें ट्रेड, उनकी इकोनॉमिक पावर, उस पर भी कहीं ना कहीं फोकस करना होगा कि हम वहां पर भी एक इस तरीके से अटैक करें कि वो कमजोर हो? आपके पास बहुत बड़ा फील्ड है वहां पर पाकिस्तान में, तो अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो 7-8 टुकड़े हो सकते हैं और ये उनको मालूम है और वो ये जानते हैं कि पिछले 10 साल तक ये लोग कुछ नहीं कर पाए थे, अब भी शायद नहीं होगा क्योंकि कुछ एक ऐसे गुजराल साहब ऐसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए थे जिन्होंने हमारे सब एफर्ट को डिसमेंटल कर दिया था और वो इतनी बड़ी क्षति थी हमारे कैपेबिलिटी की जिसका अभी तक उसको पूरा नहीं किया जा सका है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा रोग स्टेट है जिसके बारे में हमको यह भी सोचना पड़ेगा। ठीक हुड्डा साहब, मल्टी डायमेंशनल सोचने की जरूरत है हमें। कहीं ना कहीं अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान कमजोर हो या पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से हमारा कोशिशें चल रही हैं वो हमारी कोशिशें कामयाब हो, कम से कम ये वाले हालात तो कम से कम कम होने चाहिए, तो क्या हमें अब ट्रेड के बारे में भी सोचने की जरूरत नहीं है? सुमित जी देखिए, जो अपनी यहाँ की कहावत है, जो ऑलरेडी मरा हुआ उसको आप क्या मारेंगे। अब पाकिस्तान की हालत, मैं आपको थोड़ा सा उसकी इकोनॉमिक हालत के बारे में, बचा हुआ है वही है कि मरते मरता भी अगर मार के चला गया फिर क्या। हाँ, मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ।
देखो इन्वेस्टमेंट उनके पास कोई नहीं आ रही है, अंडर प्रोडक्शन उनके पास कोई नहीं है, उनके जो बड़े बड़े जो 8-10 घराने हैं कॉर्पोरेट हाउसेज के, वो उनके पाकिस्तान में कोई रहता नहीं है, दे ऑपरेटेड फ्रॉम लंडन, वहां से ऑपरेट करते हैं, लाइन ऑर्डर का उनका बुरा हाल है, उनके पास रह गया ट्रेड, ट्रेड में किसके साथ करते हैं, चाइना के साथ या थोड़ा बहुत इंडिया के साथ और थर्ड यूएई के साथ, इंडिया के साथ ऑलरेडी वो फेवर्ड नेशंस के अंदर नहीं है, यूए के अंदर वैसे ही सलम आया है, मार्केट इज टू डाउन, और रहेगा चाइना, चाइना का फोकस सारा का सारा इंडिया के ऊपर होगा। देखिए मोदी साहब ने जिस तरीके के जो स्टेप लिए हैं, अगर आप इसको समझिए, मोदी साहब के जो स्टेप जो मोहरे उन्होंने चले हैं उसको इकोनॉमिकली पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है। देखिए पूरा पाकिस्तान, ये देखो ये इकोनॉमिकली यहां से डाउन कर दिया, और उसके बाद फाइनेंशियली जो उनको एड मिलती थी, जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो मेजर पाकिस्तान का जो करीबन करीबन 35% का जो एक्सपेंस जो खर्चा वो लोग करते हैं वो आर्मी के ऊपर करते हैं, और वो कहां से आता है, यूएसए से आता है, और मोदी साहब की जो इस विजिट है उसके ऊपर सबसे बड़ा डेंट मोदी साहब ने यही किया, उसकी एड के ऊपर डेंट करवा के। ठीक ठीक है, लेकिन एक जो बात यहां पर पूरी चर्चा में निकल के सामने आ रही है बार बार राय साहब, कि अलग थलग कर दिया हमने पाकिस्तान को, या पाकिस्तान जो है पूरी इंडिया में कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड के नक्शे पर अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, आगे खोजे चलिए जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि उसके बावजूद भी नुकसान हमारा हो रहा है राय साहब। नहीं, कुछ चीजों में मैं मानता हूं कि नुकसान हम लोगों का हो रहा है, लेकिन इस नुकसान को हम लोग रोकना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से इलाज उसका होना चाहिए प्रॉपर, वो सही तरीके से हो रहा है। जैसे इकोनॉमी की आपने बात करी, हमको मारने की जरूरत नहीं कि इकोनॉमी वो मारेगा, वो आत्महत्या करने पर तुला हुआ है, और उस कड़ी में वो चलता जा रहा है। वो ऐसी स्थिति में कुछ एक पत्थर कंकड़ अगर हिंदुस्तान की तरफ फेंक रहा है, तो हमारा ये मामला नहीं कि हम जाकर उसको मार दें जो खुद मरने जा रहा है। दूसरी बात, जैसे ओपी गुप्ता साहब और ब्रिगेडियर मिश्रा जी ने कहा कि उनके अंदर 8 स्टेट बनने की अभी क्षमता है कि वो कहीं ना कहीं बिखर जाएगा, मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो बिखरेंगे तो अल्टीमेटली संभालेगा कौन उनको। एक बांग्लादेश बिखरा तो हमारे लिए एक टेंशन दे रहा है, उनका इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है, वो इकट्ठा रहेंगे तो आपस में मरते नहीं, शायद अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ होते तो और ज्यादा टेंशन। मैं कह रहा हूं आपको, वो आपस में मरेंगे, क्योंकि आप देखिए इसको अन्यथा मत लीजिए, मुस्लिम कंट्री कहीं भी देख लीजिए वर्ल्ड वाइड कहीं चैन से नहीं है, चाहे वो इराक की बात कर लीजिए, चाहे वो अफगानिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे वो पाकिस्तान की बात कर लीजिए, चाहे इस सीरिया की बात कर लीजिए, मिस्र की बात कर लीजिए, लेबनान की बात कर लीजिए, फिलिस्तीन की, किसी भी कोने से देख लीजिए कहीं शांति से बैठे नहीं है। अगर आप इनमें से निकाल कर कहीं और ले जाएंगे वो किसी और को तंग करेंगे, लिहाजा वो वहां रहें, अपनी आत्महत्या का जो काम कर रहे हैं वो करें। हां, इतना जरूर कह रहा हूं कि जिस तरीके से वो चल रहे हैं, पाकिस्तान जो हालात बना रहा है हिंदुस्तान उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, अगले एक दो दिन के अंदर जैसे ब्रिगेडियर मिश्रा जी ने कहा इनको निपटा दिया जाएगा। ठीक, यहां पर एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं आपसे सुदेश वर्मा साहब, अगर भारत की तरफ से अगर एक इंस्टेंट अब फिलहाल के लिए जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, भारत का अब का कदम क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कार्रवाई ऑलरेडी हो रही होगी, बिल्कुल अभी फिलहाल जिस तरीके से मैंने बताया कि लगातार फायरिंग हो रही है, बिल्कुल हो रही होगी, कार्रवाई की जा रही है, आर्मी जो है वो रिटेलिएट कर रही होगी, पूरा उनको फ्रीडम दिया गया है। लेकिन ये बात मत भूलिए कि पाकिस्तान को इंडिया हमेशा एक्सपोर्टर ऑफ टेररिज्म बोला है, और पाकिस्तान कोशिश किया है हमेशा इमर्ज करने के लिए इस्लामिक उम्मा कि वो बोले और इस्लामिक वर्ल्ड जितने भी है उसकी बात माने, कोई मान नहीं रहा है। अलकायदा वहां से निकला, तालिबान और आइसिस, तो इस पूरे को डिसमेंटल करने के लिए जरूरी है पाकिस्तान को कंटेन किया जाए, ये पूरा वर्ल्ड समझ रहा है और पाकिस्तान भी समझ रहा है कि अब वो घिर रहा है, अब भारत को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। ओबी गुप्ता साहब, एक छोटा सा कमेंट, अगर भारत इस वक्त जाहिर है कार्रवाई भारत की तरफ से की जा रही है, जवाबी फायरिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत कदम क्या उठाए, हमें कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करना होगा, फील्ड एक्शन को थोड़ा और जो है एक्सिलरेट करना चाहिए लोकल लेवल्स पे, एक तो पहली चीज ये होनी चाहिए। दूसरी चीज, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो अभी तक हम लोग डॉर्मेंट रहे हैं वो डॉर्मेंसी खत्म करनी चाहिए, और हमें भी पाकिस्तान के अंदर झांकना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है और वहां कौन सी प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेज हैं, कौन सी प्रो इंडिया फोर्सेज हैं जिनको हम एक्टिवेट करें। और तीसरा चीज जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं, जैसे पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट करता है, उस लाइन पर भी हम लोगों को सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान अलग थलग है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो 54 कंट्रीज का ग्रुप है वो उसके साथ खड़ा है। बिल्कुल, पाकिस्तान अलग थलग है या नहीं, इसके उलट भी हमें सोचने की जरूरत है कि पाकिस्तान अभी भी उतना ही ज्यादा खतरनाक है और उसके खिलाफ और ज्यादा कार्रवाई सख्त से सख्त यहां पर करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
वहीं सुदर्शन न्यूज का आज का सवाल है, क्या पाकिस्तान जंग चाहता है? आप अपने जवाब हां या ना में भेज सकते हैं। जवाब के लिए आप एसएमएस कर सकते हैं। एसएमएस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं, SUT लिखें, फिर स्पेस दें, फिर अगर आपका जवाब हां है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें। इस मैसेज को आप 08750047855 पर भेज दें। आप अपने जवाब हमारी वेबसाइट www.sudarshannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं। सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा। तो कल रात 9 बजे के शो से पहले अपने जवाब आप हम तक पहुंचा सकते हैं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय हिंद।